मीडिया कह रहा था आपको चांस मिलना चाहिए, चांस मिलना चाहिए, बड़ा आपने परफॉर्म किया और आज मौका मिलने पर आपने सेंचुरी भी कर दी, लेकिन टीम हार गई तो थोड़ा सा अफसोस हो रहा होगा आपको? ओबियसली टीम जीतती तो ज़्यादा खुशी हो जाती, तो परफॉर्मेंस मैं कर रहा था, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ डेब्यू में सेंचुरी की है, लेकिन डिसअपॉइंट ज़्यादा है कि पाकिस्तान हार गया है, तो मेरी सेंचुरी इंडिविजुअली मेरे लिए तो खुशी की बात है, लेकिन पाकिस्तान अगर जीत जाता तो और मुझे प्राउड महसूस होता। आबिद, आपके हिसाब से आपने कहाँ पर चूक हो गई पाकिस्तान से चेस में? आप लोग बराबर मेंटेन कर रहे थे पासिंग रेट को, कहाँ पर चूक हो गई? इसमें अब मैं भी जब उमर भाई आउट हुए हैं, उमर अकमल आउट हुए हैं और साद अली जब आउट हुए हैं, उसमें मैं अगर थोड़ा सा हुआ है, वैसे तो रनर बॉल ही चाहिए था उस टाइम, तो उसमें थोड़ा सा ज़रा हो गया जिसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो गई है। आप क्या वजह है कि कुछ विकेट ऐसी है या क्या वजह है कोई लंबे लंबे शॉट नहीं लग सकते पाकिस्तानी? शॉट तो लग रहे थे, ये नहीं है कि नहीं लग रहे थे, तो बस डिसअपॉइंटमेंट है कि फिनिश नहीं हो सका, अगर फिनिश हो जाता अच्छा तो और बेहतर हो जाता। सिप्टे आबिद, आपको डेब्यू करने का किस वक्त पता चला और जब आप बैटिंग करने जा रहे थे तो क्या माइंड था, किसने मशवरे दिए? डेब्यू करने का तो मुझे सुबह ही पता चला था, क्योंकि इमाम को फीवर हो गया था, तो मुझे नहीं मालूम था कि मैं खेल रहा हूँ, तो जब एकदम मुझे मालूम हुआ तो मैं बड़ा हैप्पी था, पॉजिटिव था मैं, जैसे भी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह पीछे मेरा सीज़न चलता आ रहा था, स्कोर करता आ रहा था, बस कोशिश यही कर रहा था अपॉर्चुनिटी को मैं मुझे अवेल मिल जाए, तो मुझे चांस मिले तो मैं उस पर मैं प्रूव करूं अपने आप को जो मैंने परफॉर्मेंस की है, तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यही था कि परफॉर्मेंस और अब मैं डोमेस्टिक क्रिकेट में अब जितना भी हमारी चलती है डोमेस्टिक क्रिकेट टफ है, क्रिकेट ये नहीं है जैसे डिपार्टमेंट क्रिकेट होती है फिर अच्छे मैचेस होते हैं, तो वो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट काफ़ी टफ है, इसमें कोई वो नहीं है। आबिद, आज से जब आप बैटिंग की भी आए तो आप ये बताइएगा कि शान मसूद जल्दी आ गए, आउट हो गए, आपके ऊपर प्रेशर आ गया, उसके बाद आपने बड़ी अच्छी एक पार्टनरशिप लगाई रिजवान को, उस पार्टनरशिप को कैसे देखें और दूसरा आज की जो सेंचुरी है ये किसके नाम करेंगे? सबसे सेंचुरी तो मैं अपनी बेटी के नाम करूंगा, तो फैमिली के नाम, क्योंकि मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है, फर्स्ट डेब्यू था मेरा पाकिस्तान से खेलना, मेरी अपॉर्चुनिटी थी जो मैं खेलता आ रहा था, जो मैं परफॉर्मेंस करता आ रहा था, बस एक दरवाज़े की ज़रूरत थी, तो अल्लाह ताला ने वो रास्ता खोला तो उसको मैंने कोशिश की। बाकी पार्टनरशिप उस टाइम जब शान आउट हुआ है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुए थे कि हारिस भाई आए थे उस टाइम, तो वो मुझे उन्होंने मुझे यही कहा था कि तुमने खेलते रहना है तो जो तुम्हें शॉट मिलेगी वो तुम अपने पॉजिटिव खेलते रहो, तो कॉन्फिडेंस के साथ खेलते रहो, बस मेरा यही माइंड था कि मैं कॉन्फिडेंस से खेलूँगा, पॉजिटिव खेलूँगा, रिजल्ट मैं अल्लाह पे छोड़ देता हूँ, तो जो जो मुझे मेरिट पे शॉट मिल रही थी मैं खेल रहा था। लास्ट क्वेश्चन, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस मेरी इंडिविजुअली कह सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान हार गया है उसकी मुझे बड़े अफसोस है, तो बाकी अपना मैं काम करता रहूँगा जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है, जैसे मैं एनसीए में काम कर रहा था, एनसीए पूरी डिपार्टमेंट, एनसीए की तमाम जितने भी वहाँ कोचिज वगैरह हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, फिर हमारे यहाँ पर भी जो ट्रेनर हैं उनके साथ फिटनेस पे भी और बेहतर काम कर रहा हूँ, कोशिश करता रहूँगा जितना भी मैं और बेहतर से बेहतर कर सकूँ अपने आप को, इंशाल्लाह। ओके।